कल जहां तमिलनाडु के इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ और एक जो चॉपर क्रैश होने का मामला सामने आया और जिसमें हमारे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत उस घटना में उनकी मृत्यु हो गई और उसके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी भी उसी चॉपर में थी और कुछ ऑफिसर्स उसके बीच में मौजूद थे। जहां एक तरफ पूरा देश दुख में है और हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है और वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिला कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो फेसबुक के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे और खास तौर पर इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे और इस तरह की पोस्ट शेयर कर रहे थे जिससे हर एक भारतवासी के जो सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हो रहे थे। इसी बीच हम आपको बता दें कि राजौरी के इलाके से भी एक खबर सामने आ रही है और वो खबर ये है कि एक व्यक्ति जिसको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि उसके द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर एक वॉल के ऊपर एक ऐसी पोस्ट जो थी वो शेयर की गई थी जो ऑब्जेक्शनेबल थी और उसकी जो ऑब्जेक्शन है वो की गई और पुलिस ने कॉग्निजेंस लेते हुए उस व्यक्ति को अरेस्ट किया। ये राजौरी के इलाके से खबर आ रही है और हम आपको बताते चलें उस व्यक्ति ने अपने फेसबुक वॉल के ऊपर कुछ इस तरह का जो पोस्ट था वो शेयर किया था जिससे जो भारतवासी हैं उनके सेंटिमेंट हर्ट हो रहे थे। उस इलाके के लोगों ने इमीडिएटली पुलिस को बताया और पुलिस ने उस व्यक्ति को ट्रेस भी किया और जो एक सेंसिटिव जिसे हम कहेंगे या एक ऑब्जेक्शन वाला हाईली ऑब्जेक्शन वाला एक जो पोस्ट था वो शेयर किया गया था और पुलिस ने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है और फर्दर जो प्रोसीडिंग होती है एक लीगल प्रोसीडिंग होती है वो उसके ऊपर चल रही है। हालांकि जो वो व्यक्ति है वो एक शॉपकीपर है और उसने कुछ इस तरह का पोस्ट किया जिससे हर एक व्यक्ति के सेंटिमेंट हर्ट हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कल जब हम भी लाइव कर रहे थे तो कई सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिससे दिल दुखी हो रहा था। दिल इसलिए दुखी हो रहा था कि जहां देश की जो एक जिसे हम कहेंगे कि इमोशंस जुड़े हुए थे जिसमें हमारे आर्मी के ऑफिसर्स और उसके साथ साथ CDS उनकी धर्मपत्नी उनके PSOs उस चॉपर पे जब सवार थे और उसके बाद वो चॉपर जो है वो क्रैश हो जाता है, सडनली इस तरह की जो खबर है वो सामने आती है और हर कोई जो है वो अब तक शॉक के बीच में है। शॉकिंग खबर ये सामने आई और उसके बाद कुछ ऐसे जो फेसबुक के कीड़े जिसे हम कहेंगे वो कमेंट्स कर रहे थे और नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे जिससे सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, तो इस तरह के कमेंट्स जो है वो नहीं करने चाहिए। हालांकि पुलिस और खास तौर पर जो साइबर सेल है उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग रखी है, उनके द्वारा ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको सर्च भी किया जाता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, क्योंकि पहले भी जब कभी कोई इस तरह की चीज सामने आई है सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के कुछ नेगेटिव कमेंट्स जब सामने आए हैं तो कई सारी IDs को ब्लॉक भी किया गया था। हमें याद है ठीक से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया और ये राजौरी के इलाके से खबर आ रही है जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार के ऊपर एक्टिव है YouTube हो किया जाए तो ये काफी मददगार साबित होता है। तो इस तरह के कमेंट्स नहीं करने चाहिए जिससे एक आम आदमी के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, क्योंकि हर किसी के सेंटिमेंट जुड़े होते हैं, इमोशन जुड़े होते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सुमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।